राम राम भाई सारा ने एक बार फिर से मंजीत एकेडमी चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हरियाणा की प्रमुख खबरें लेके 1 सितंबर 2024 की। चलो अब शुरुआत करते हैं। अब रोडवेज बसों के साथ निजी बसों में भी मान्य होगा लड़कों का विद्यार्थी बस पास, बढ़ेगी सुविधा। सीएम नायब सिंह सैनी बोले, शपथ बाद में लूंगा, पहले 24,000 युवाओं को नियुक्ति दूंगा। 200 दिन पूरे होने पर शंभू खैरोनी बॉर्डर पर जुटे हजारों किसान, 3 अक्टूबर को रेल रोको आंदोलन। हरियाणा में 1 नहीं 5 अक्टूबर को होगा मतदान, तारीख बदलने पर जाने किस नेता ने क्या कहा। जेजेपी के उपाध्यक्ष देवेंद्र कादियान का होगा डीएनए टेस्ट, कोर्ट ने दिए आदेश, महिला ने लगाए आरोप। रोहतक में अजय चौटाला बोले, पंजाब में चन्नी जैसा होगा हरियाणा में नायब सिंह सैनी का हास्य, कांग्रेस पर कसा तंज। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने 20 चुनाव लड़ने से किया मना, कई विधायकों के टिकट कटने के दिए संकेत। बेरोजगारों ने सरकार से मांगा रोजगार, अनसुनी पर चुनाव आयोग दिल्ली करेंगे कुछ। बिश्नोई समाज की ये प्रथा बनी, हरियाणा में मतदान की तारीख बदलने की वजह देखे नया शेड्यूल। हरियाणा में 35 सीटों पर कांग्रेस के प्रत्याशी तय। हरियाणा के चुनाव में यूपी के क्षेत्रीय दलों की एंट्री, सपा ने कांग्रेस से मांगी सीट। गांव कालवा की पुत्र वधु मोना अग्रवाल ने पैरा ओलंपिक में जीता ब्रॉन्ज मेडल, देश को किया गौरवान्वित। चाना में दुष्यंत चौटाला बोले, चुनाव जनता को लड़ना है, मोदी को बुलाए या राहुल गांधी को, इससे फर्क नहीं पड़ता। कुमारी शैलजा बोली, ईडी की कार्रवाई राजनीति से प्रेरित, इन दिनों आ सकती है पहली सूची। पूर्व मंत्री देवेंद्र को झटका, प्रदेश पर भारी बोले, बबली पार्टी के सदस्य नहीं, मेरी तरफ से तो टिकट की ना है। भाजपा कांग्रेस का समीकरण बिगाड़ सकते हैं क्षेत्रीय गठबंधन, अंबाला शहर से ये दावेदार हैं चर्चा में। किसानों को घाटे में धकेलना चाहती है भाजपा, इसलिए धान के निर्यात पर रोक हुड्डा। सीएम सैनी को पूरे हरियाणा में नहीं मिल रहा है सुरक्षित सीट, कांग्रेस। शपथ बाद में लूंगा, पहले 24,000 युवाओं को नियुक्ति दूंगा सैनी। चुनाव आयोग ने 24,000 भर्तियों के परिणाम जारी करने की नहीं दी इजाजत। मनोहर लाल की सरकार में दलितों के सबसे ज्यादा काम हुए कटारिया। आईएएस धर्मेंद्र बने दिल्ली के नए मुख्य सचिव, ये होंगी बड़ी चुनौती। स्टेडियम की तैयारी में नाखुश क्रिकेटर, 9 सितंबर से शुरू होगा अफगानिस्तान न्यूजीलैंड टेस्ट मैच। 2 पारियों में लगातार शतक जड़कर रूट ने रचा इतिहास, कुक को पीछे छोड़ बने इंग्लैंड के नए शतकवीर। हरभजन ने स्पिनरों के खिलाफ भारतीय बल्लेबाजों के संघर्ष पर दिया बयान, खराब टेस्ट पिच को दिया दोष। डेविड के बेटे समित को मिली भारतीय अंडर 19 टीम में जगह, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज के लिए चुना गया। तो ये थी कुछ प्रमुख खबरें जो हम आपके लिए लेके आए थे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर करें। भगवान करे आप सभी का दिन शुभ रहे।